नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल पर, और आशा करता हूं बच्चों अच्छे से होंगे। आज का हमारा जो विषय है वो है लिस्ट। HTML में आपको मालूम है बच्चों कि आप लिस्ट का निर्माण कर सकते हैं। तो लिस्ट पहली बात तो होती क्या है, तो देखिए, लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ आइटम्स। बच्चों लिस्ट कोई पूछेगा आपसे क्या होती है, तो आप एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ आइटम्स। अब मुद्दा यह है कि कितने प्रकार की लिस्ट आप बना सकते हैं HTML में। तो देखिए, टाइप्स ऑफ लिस्ट की अगर आप बात करेंगे तो HTML में आप बच्चों तीन प्रकार की लिस्ट बना सकते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले अनऑर्डर्ड को कुछ लोग बच्चों बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं। बुलेटेड, अनऑर्डर्ड लिस्ट, या बोलिए बुलेटेड लिस्ट। दूसरा आपका ऑर्डर्ड लिस्ट, या इसी को बच्चों हम लोग एक और नाम से जानते हैं, नंबर्ड लिस्ट। और बच्चों तीसरी जो आपकी लिस्ट है उसे हम कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट। क्या बोलते हैं? देख लीजिए, ये तीन प्रकार की बच्चों लिस्ट हैं जिनका निर्माण आप HTML के थ्रू आप करते हैं। किसके थ्रू? HTML के द्वारा आप बना सकते हैं तीन डिफरेंट टाइप की लिस्ट। तो प्रश्न उठता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को आप कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए बच्चों UL टैग होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट को आप कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए OL टैग होता है। और आपके मन में अगर प्रश्न उठ रहा हो कि सर हम डेफिनेशन लिस्ट कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए टैग होता है तुम्हारा DL। देख लीजिए, UL, OL और DL, ये तीन डिफरेंट टाइप की बच्चों लिस्ट है, तीन डिफरेंट टाइप के टैग्स हैं जिनकी मदद से आप अलग अलग प्रकार की लिस्ट का निर्माण कर सकते हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाता हूं, आपको सबसे पहले बनाता हूं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो कैसे बनाएंगे बच्चों? आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग यूज करेंगे। अच्छा, लिस्ट आइटम कैसे बनते हैं? आपको अगर लिस्ट आइटम का निर्माण करना है बच्चों, तो जो टैग आप यूज करते हैं वो है LI। कौन सा टैग हम लोग यूज करते हैं बच्चों? LI टैग का हम लोग यूज करते हैं। LI मतलब होता है लिस्ट आइटम, और UL टैग का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। आइए अब एग्जांपल दिखाता हूं, एग्जांपल ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले आप यूज करेंगे HTML, फिर आप यूज करेंगे हेड, हेड के अंदर आप लगाएंगे टाइटल, टाइटल में आप दे दीजिए बुलेटेड लिस्ट, टाइटल बंद किया, हेड बंद हुआ, हेड के बाद बॉडी। देखिए बच्चों, बॉडी के बाद सपोज कीजिए हमको बनाना है एक लिस्ट, तो मैंने हेडिंग दे दी वेब पेज की H1 से, लिस्ट ऑफ कंट्रीज फॉरवर्ड स्लैश H1, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपने क्या दिया? UL टैग दिया, UL के बाद आपने लिखा LI। सबसे पहले अपनी ही कंट्री का नाम इंडिया, ये देखिए बच्चों LI क्लोज किया, फिर LI,
सपोज पाकिस्तान, पीएके लिख दिया मैंने पाक, एलआई बंद किया, एलआई लंका पड़ोसी है भाई ये भी, एलआई अगला आइटम चाइना, और ये भी हमने एलआई से बंद किया। फिर आपका मैंने बच्चों यूएल बंद किया, बॉडी बंद किया, और मैंने आपका एचटीएमएल को बच्चों क्या किया, क्लोज कर दिया। जरा देखिएगा, जरा देखिए कि आप कैसे बच्चों आराम से बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं लिस्ट को। पहले इसको प्रोग्राम को देख लीजिए, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, तो समझ में आ जाएगा। निश्चित तौर पे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे इस प्रोग्राम को बच्चों हमने बनाया है। देखो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले HTML टैग लगेगा, ब्राउजर को बताएगा, क्या बताएगा कि हम जो कोडिंग कर रहे हैं वो HTML लैंग्वेज में कर रहे हैं। हेड के अंदर मैंने टाइटल टैग का यूज किया, बुलेटेड लिस्ट दिया, टाइटल बंद किया और हेड बंद किया, तो आपका ये टाइटल बार पे जाएगा। बॉडी लिस्ट ऑफ कंट्रीज आपका लिख के आएगा, हेड H1 से आएगा। मेन है तुम्हारी लिस्ट कैसे बनेगी। बच्चों देखो आपकी लिस्ट कुछ ऐसे बनेगी, बाय डिफॉल्ट जो आता है, एक इंडिया, दूसरा आएगा पाक, तीसरा आएगा लंका, चौथे कंट्री का नाम आएगा चाइना। जरा देखिए बच्चों ये जो आप देख रहे हैं सर्कुलर, ये इसको कहा जाता है डिस्क, DISC, डिस्क जिसे कहते हैं। बाय डिफॉल्ट HTML यानी ब्राउजर जब आप कुछ नहीं बताएंगे तो आपको जो आइटम्स को स्पेसिफाई करेगा वो इन्हीं डॉट्स की मदद से बच्चों करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, कि हम इन डॉट्स की जगह कुछ और दे दें, तो उसके लिए बच्चों आप दे सकते हैं सर्किल या स्क्वायर। यानी आप ऐसी भी लिस्ट बना सकते हैं कि जगह इस जहां इस डॉट की जगह ऐसे स्क्वायर आने लगे, या सर्किल गोला आने लगे, इस टाइप से। अब ये कैसे होगा भाई, कैसे आप लिस्ट की डिस्प्ले स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए बच्चों हमको जरा सा यहां देखिए, यूएल के साथ लिखना पड़ेगा टाइप एट्रीब्यूट इज इक्वल टू, आपने दे दिया स्क्वायर, ये देखिए, या यूएल टाइप इज इक्वल टू सर्कल। बस आप लाइन में ये परिवर्तन करेंगे और आपको बच्चों क्या है, आपकी जो लिस्ट है, आपकी जो लिस्ट है उसका जो आइटम्स हैं, उसका कलर, कलर नहीं, उसका जो टाइप है, डिस्प्ले आइटम्स को जो हम डिस्प्ले करते हैं वो अलग तरीके से नजर आने लगेगा। जवाब दीजिए, ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। निश्चित तौर पे बहुत सिंपल है बच्चों, तो भले ही आराम से आप बुलेटेड लिस्ट का निर्माण कर सकते हैं। और इसी में अगर आपको बच्चों, इसी में अगर आपको नंबर्ड लिस्ट बनानी है, तब आप क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा बच्चों, एवरीथिंग इज सिमिलर। बस आपको पूरा प्रोग्राम नहीं लिखूंगा मैं, सिर्फ आपको टैग चेंज करना है, यूएल की जगह ओएल, एलआई, एलआई फिर एलआई
फिर एल आई। और आप बच्चों ओएल को बंद कर देंगे। जब देखिए अब आपने अगर ऐसे कर दिया यानी टैग चेंज कर दिया तो अब आप ब्राउजर को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि आप साहब नंबर्ड लिस्ट चाहते हैं डिस्प्ले करना। कैसे बनेगा तो जरा देखिए, आपका ऐसे आएगा वन इंडिया, टू पाक, थ्री लंका, फोर चाइना। अब आपकी लिस्ट कुछ इस तरह से बच्चों डिस्प्ले करेगी। और हां, यहां पर बाय डिफॉल्ट जो आएगा वो ऐसे नंबर आएगा, बाय डिफॉल्ट जो आपका नंबर आएगा वो ऐसे आएगा बच्चों। तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से अगर आपको यहां पर एबीसीडी में चाहिए तो आपको बच्चों टाइप फिर यहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप क्या लिख सकते हैं, ओएल टाइप इज इक्वल टू, अगर आपने स्मॉल में दिया तो बच्चों यहां पर ए बी सी डी नंबरिंग ऐसे आएगी। आपने अगर कैपिटल में दिया, देखते जाइए, तो आपको बच्चों ऐसे नजर आएगी। अगर आपने स्मॉल में आई दिया तो आपको ऐसे आएगा। ऐसे आएगा, रोमन में आएगा। तो ये सारा कुछ बच्चों आप इस जगह पे जाके स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, तुम्हारा यूएल के साथ टाइप एट्रीब्यूट भी चलता है। मान लो तुमने टाइप में दे दिया कैपिटल ए, और एक और एट्रीब्यूट चलता है स्टार्ट इज इक्वल टू, तुमने दे दिया मान लो 5। इसका मतलब जानते हो, तुम ब्राउजर से कह रहे हो कि साहब टाइप तो रहेगा ए यानी अल्फाबेट, लेकिन जो स्टार्ट होगा वो 5वें अल्फाबेट से, तो ए बी सी डी ई से चालू होगा। यानी तुम्हारी लिस्ट ऐसे आएगी, ई एफ जी एच, जहां भी जितने भी आइटम्स आप देना चाहें तो आप ऐसे भी बच्चों लिस्ट का निर्माण कर सकते हैं। और रही बात तीसरे प्रकार की लिस्ट जिसे डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं, वो कैसे बनेगा, तो डेफिनेशन लिस्ट में बच्चों बनती ये डीएल से है। उसके अलावा एक टैग और यूज करना होता है डीटी, इसको हम कहते हैं डेफिनेशन टर्म। और एक आपका और टैग होता है डीडी, जिसे कहा जाता है टर्म की डेफिनेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म की डेफिनेशन। आइए आपको सीधे एग्जांपल दिखा देते हैं एक डेफिनेशन लिस्ट बना के HTML, बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधे लिस्ट देखिए, बॉडी हेडिंग जरूर दे दीजिएगा, डेफिनेशन लिस्ट, आपने सबसे पहले लिखा डीएल डीटी, मान लीजिए आपने लिखा HTML, ये आपका क्या हो गया, टर्म हो गया। और उसकी डेफिनेशन आप कैसे देंगे, फुल फॉर्म दे दीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये आपका बच्चों डीडी बंद हो गया। इसी तरह से एक और आप दे दो डीटी में, मान लो आपने दिया HTTP, यहां आप क्या देंगे डीडी में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, फुल फॉर्म लिख रहा हूं बस, प्रोटोकॉल, ये आपका डीटी बंद हो गया।
सॉरी डीडी बंद होगा, डीडी डीटी तो हो चुका है डिफाइन, और इसके बाद मैंने डीएल को बंद किया, मैंने बॉडी को बंद किया, मैंने एचटीएमएल को बंद किया। इसका आउटपुट कैसे आएगा जरा देखिए ब्राउजर पे, H1 से लिख के आएगा बड़ा बड़ा डेफिनेशन लिस्ट, इसके बाद आपका पहला टर्म आएगा HTML, उसकी डेफिनेशन थोड़ी आगे से आएगी, दूसरा टर्म आएगा आपका HTTP, उसकी डेफिनेशन। तो ये देख लीजिए बच्चों, ये टर्म है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये टर्म है, ये इसकी डेफिनेशन है, ऐसे बनती है आपकी डेफिनेशन लिस्ट। तो आशा करते हैं कि बच्चों आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, और इस उम्मीद के साथ आप सीख रहे हैं, मैं अब यहीं पे इसको रोक रहा हूं, किसी अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद।